तो लो फाइनली गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक बड़े ही मतलब गजब से रेस्टोरेंट में, जो बिल्कुल ही मतलब अल्टीमेट है। और सुना ही सुना है भाई, कभी गए नहीं। और सीन क्या होता था भाई, दो बार तो चक्कर लगे, या एक बार तो भाई हमारे को रेस्टोरेंट मिला ही नहीं, दूसरी बार जब हम पहुँचे तो लेट इतना हो गया था, रेस्टोरेंट ही बंद हो गया था। तो आज हमने सोचा चलो फाइनली डिसाइड करते हैं। तो भाई फाइनली अपने साथ हो चुका है पोपट, जहाँ हमें जाना था ना भाई। थ्रोटल शोटल ही है ये भी, पोपट तो नहीं, थ्रोटल शोटल वाला रेस्टोरेंट ही है भाई, ये भी देख लो ठीक है। बट हमें जहाँ जाना था भाई, ये वो नहीं है, मतलब हमारे को दूसरे वाले पे जाना था। और फुल एकदम वो देखो भाई, बाइक्स वाइक्स पे आ रखे हैं बंदे एकदम जबर तरीके से। तो भाई चलो कोई बात नहीं, एक और नया हमने देख लिया। अब यहाँ से फाइनली चलते हैं अरावली हिल्स, जो हमारा थ्रोटल शोटल है भाई, वो अरावली हिल्स वाला है जहाँ हमें जाना है। तो चलते हैं फटाफट से, निकल गया हूँ उधर की तरफ। अब यहाँ से फिर से 27 किलोमीटर 21 किलोमीटर दिखा रहा है, 37 मिनट का रास्ता। और भाई ये देखो कैमरा शायद जस्टिफाई कर रहा हो, वो देखो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसी जगह ही ले जाएगा तुम्हारा भाई तुम्हारे को, बस देखते जाओ। तो भाई फाइनली गलत डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद हमने जब डाला, जहाँ पे मेन हमें जाना था वो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम निकल गए वहाँ के लिए। और भाई टाइम ही नहीं लगा, मतलब इतना ज़्यादा दूर भी नहीं था कि एक होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया टाइम में, बट ऐसा नहीं था, पास में ही था। अरावली हिल्स करके जगह थी भाई, थ्रोटल शोटल रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं भाई, जब भी जाओ अरावली हिल्स डाल के जाना, जब भी आपने जाना हो तभी आप एकदम सही जगह पहुंचोगे, वरना कहीं और। फाइनली अपन पहुंच चुके हैं, देखो भाई इस गड्ढे में हमारी गाड़ी गिरी थी पिछली बार बेलिनो। तो फाइनली भाई अपन यहाँ पे पहुंच चुके हैं सही रास्ते पे एकदम। और देखो भाई हमने रात को यहाँ से रेडबुल खरीदा था, याद होगा आप लोगों को, खैर मैंने शूट नहीं करा था तो याद कैसे होगा, कैसे हाँ कर रहे हो आप लोग। तो भाई देख लो फाइनली सामने हिल्स आ गए हैं, ये देखो यहाँ पे बोर्ड बोर्ड लगा हुआ है, ओहो यहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो भाई ये फाइनली वी आर, वो देखो भाई बकरियां बकरियां, सो मैनी बकरियां। तो भाई अब यहाँ से सीधा लेकर चलते हैं आपको थ्रोटल शोटल। और भाई वो देखो सामने का ना व्यू चेकआउट कर लो भाई एक बार, मतलब इसके पैसे नहीं है, इसके पैसे नहीं है, फ्री है ये। तो यहाँ से ले लेते हैं वो मंदिर। एक तो भाई तुम्हारे भाई के फ़ोन की बैटरी भी लोने वाली है, वी डोंट हैव एनी बैटरी। तो भाई यहाँ पे देखो हॉर्स राइडिंग क्लब वगैरह भी है, यहाँ पे पैट शो हब पता नहीं होता होगा अंदर जाके। हाँ अबे यार भाई तुम्हारे भाई ने यहाँ पे एक बार ही ना कुछ पीछे लिखा हुआ था पैट वैट का, तो मेरे को लगा शायद यहाँ पे मतलब डॉग्स वगैरह मिलते होंगे, तो मैं एक बार देखने आया हूँ। एक बार देख लो भाई, पूरा कच्चा रास्ता है, मिट्टी मिट्टी हो रखी है, अभी देखता हूँ अगर होता है तो दिखाता हूँ। वो देखो वहाँ पे एक ऊपर मंदिर सा भी बना हुआ है, और बाकी भाई इधर ज़बरदस्त है, मतलब व्यू तो भाई एक नंबर है। जैसे अपने पास अगर गाड़ी थोड़ी बड़ी सी हो, टेंट वेंट लाओ यहाँ पे लगाओ, है तो ये स्टे वो है भाई, अस्तबल है, हिंदी में अस्तबल बोलते हैं, घोड़े वोड़े दौड़ते हैं भाई यहाँ पे। और यहीं पर ही अपना थ्रोटल शोटल भी, तो देख लो भाई खेती वेती भी हो रखी है यहाँ पे बराबर एकदम। तो भाई मैं ज़रा अंदर आया था, मुझे लगा था यहाँ पे शायद पेट वेट्स की भी कोई दुकान होगी, तो मेरे को डॉग लेना था, पर भाई वो अंदर जाके कुछ और ही था, तो केयरिंग हब था यार, एक्चुअली ना केयरिंग हब था। तो चलो भाई वहाँ से तो फिर अपन वापस बाहर आ गए हैं, अब यहाँ से चल रहे हैं। फाइनली भाई देख लो अपन, ये वही जगह है जहाँ पे हम रातों को आए थे, रातों को आए थे मतलब रातों को दो बार हम देख के जा चुके हैं। पहली बार जब हम आए थे तब हमें थ्रोटल शोटल अंधेरे की वजह से नहीं दिखा था। और भाई यहाँ पे ना रात को अगर आप आते हो तो टोटली अंधेरा होता है, मतलब एकदम एंड क्लास वाला। तो यहाँ पे किसी भी तरह का ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। हाँ बट यहाँ पे अगर कोई वो हो रहा हो, इवेंट वगैरह चल रहा हो या कुछ हो रहा हो, तो आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, ऑल गुड। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो भाई फिर आपको थोड़ा सा वेयर्ड लगने वाला है, बहुत ज़्यादा वेयर्ड, बहुत ज़्यादा लगेगा भाई, बहुत ज़्यादा। ये देखो ऊपर कोई शिव मंदिर भी है, यहाँ पे बोर्ड वगैरह है, ऊपर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं अभी भी। तो आप इसे कह सकते हो भाई मिनी हिल स्टेशन इन इंडिया और दिल्ली, दिल्ली से ज़्यादा नहीं 30 किलोमीटर की दूरी पर आप ऐसी ज़िंदगी देख सकते हैं। तो धूप हो रखी है भाई एकदम कैडी, टाइम हो रहा है 12:30 भी नहीं, 12:50 ही हो रहे हैं यार। तो भाई देख लो, अब सोच लो एक बार यहाँ पे अगर रातों को आप 1 बजे 12 बजे 10 बजे भी आते हो तो बिल्कुल ही एंड वाला सीन हो जाता है। और भाई एक बात और बता दूँ, ये जो रेस्टोरेंट है ना ये 9 बजे तक बिल्कुल बंद हो जाता है,
इसकी एक बात और भी है, 9 बजे बंद। तो यहाँ से है वो मंदिर का कोई रास्ता और ये दो रास्ते कटते हैं, देखो रेड हाई कैफे इधर है कुछ ऐसे ऐसे करके, काफ़ी कैफे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से देख लो भाई। तो चलो सीधा अब आपको लेकर ही चलते हैं, छोटल छोटल की जो एंट्री है ना मैं आपको वो दिखाऊंगा भाई, बाकी वहाँ पे फार्मिंग वार्मिंग एकदम चवर तरीके से चल रही है भाई, एकदम कंटास। देखो भाई ये राशिद जी जी का मंदिर, भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, मतलब रात को जब मैं आया था ना मुझे तब नहीं दिखा था, और अभी देखो दिन में आया हूँ तो मुझे पता भी चल रहा है, रात में नहीं दिखा था यहाँ मैं, रात में इतनी गाड़ियाँ भी नहीं होती, देखो ऊपर पहाड़ियाँ बकरियाँ मैं ऊपर चल रही हैं मैं। और भाई एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो थ्रोटल शोटल की एंट्री है ना भाई, बड़ा छोटा सा एक बोर्ड लगा हुआ होगा उसके एंट्री पे, अभी तो क्या दिन में तो दिख जाएगा, रात में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दूँ, ओह माय गॉड, तो रात को वो जो वो था ना क्रिश आई थी उसके अंदर वो जो पहाड़ी पे चढ़ के चंपा चिल्लाता है भाई, वो यहीं चिल्लाया था, बहुत से लोगों को ये बात। फाइनली भाई देख लो अपन पहुंच चुके हैं थ्रोटल शोटल, रास्ता तो थोड़ा सा कच्चा ही है भाई, वो देखो सामने ही है बिल्कुल, एकदम यहीं आए थे अपन रात में और आज आए हैं दिन में। एग्जॉर का हेलमेट पहन रखा है भाई ने अपने वाला ही है, तो भाई देख लो आज ये फाइनली खुला हुआ है। और भाई साहब मैं क्या बताऊँ यार, मतलब लोकेशन ही दिखाऊंगा यार, चलो अभी तुम्हें थोड़ी देर में, यहाँ तक तो मैं पहुँच गया हूँ फाइनली। आहा ओहो रोड थोड़ा सा है, आहा ओहो भाई फुल ऑन पार्टी वार्टी चल रही है। तो फाइनली द लेपर्ड ट्रेल, तो लेट्स गो, मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। फाइनली अपन पहुंच चुके हैं एकदम एंड में, पीछे से ये रोड ख़त्म हो रहा है, तो भाई अभी देखा आपने वहाँ से उन्होंने गाड़ी चढ़ाई ऊपर, मेरा भी मन आ रहा है, लेट मैं भी डू वहाँ पे। तो अपने पास रेस्क्यू के लिए कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है आई एम ऑल अलोन। पीछे का एक बार व्यू चेकआउट कर लो भाई, एकदम कंटास लग रहा है, एकदम कंटास। यहाँ पे एक ही कैफे आया है और वो सामने एक लेपर्ड वाला भी है, ठीक है। चलो भाई चलते हैं, निकलते हैं फिर यहाँ से, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओ भाई साहब भैया का पायलट जाग गया है, ओ माय गॉश। भाई मैंने यहीं से अपनी अभी गाड़ी उतार चढ़ाई थी भाई, इन्होंने सबसे ज़्यादा गलत उतारी है गाड़ी, कभी ब्रेक नहीं मारनी चाहिए, जिस मोमेंटम में अगर आपकी गाड़ी जा रही है ना नीचे हमेशा जाने दो बस। देखो एस क्रॉस वाला एकदम ओके रिपोर्ट में लेके गया, तो फाइनली करते हैं बाय बाय और निकलते हैं यहाँ से। भाई अच्छी जगह थी, मज़ा आ गया, एंड है भाई, चेकआउट कर लो एक बारी। क्या चीज हो तुमको तुम्हें मालूम नहीं है, तो वी आर इन मसूरी एंड वी आर इन राइट नाउ वी आर इन देहरादून, मसूरी ज़्यादा नहीं बस एक पहाड़ी जितना दूर है वहाँ पे है मसूरी, यू कैन ट्रेवल ऑन दैट हिल्स। यहाँ से नीचे उतारूँ भाई, नहीं यार यहाँ पे ना ये दिक्कत है, सामने से कोई ना कोई आता ही रहता है भाई। फाइनली एक बारी मैंने अपनी गाड़ी यहाँ भी फाइनली उतार ही दी है भाई, अटूट कैफे हैं। और एक बार इस दानव को देखो, गौर से देखो इस दानव को, जो ये खड़ा हुआ यहाँ पे लोगों को देख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है,
अल्टीमेट है भाई, इसके लिए तो बनी है ये, बनी इसी के लिए है ये। तो भाई फाइनली देख लो, थ्रोटल शॉटल जो है अपन घूम चुके हैं, और एक बार चेकआउट कर लो भाई। यहाँ पे थोड़ा सा ना विलेज एरिया टाइप भी है, तो थोड़ा सा मजा आ रहा है। अब देखो तुम्हारी अब हमारी गाड़ी ने सारे ऑफ रोडिंग कर लिए, नहीं आगे रहे कैफेज और रेस्टोरेंट्स वगैरह है। हाँ थोड़ा सा रास्ता पतला है बस। हाँ तो दिस इज भाई, देखो भैंस आ गई रोड पे। तो भाई दिस इज प्योर फीलिंग ऑफ विलेज। एक मतलब एक होता है ना कि जैसे यू आर नॉट इन विलेज बट यू हैव द फील ऑफ विलेज। तो भाई तुम्हारा भाई एकदम हीरो बन के घूम रहा था, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा भाई एकदम हीरो बन के घूम रहा था। तो भाई ये तो थ्रोटल शॉटल, और भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, मतलब सिटिंग लाजवाब है, हर चीज ओके रिपोर्ट है। बस एक इनका मेरे को मिंट मोजिटो था, वो मेरे को समझ में नहीं आया। रेट्स थोड़े से महंगे तो हैं यार, हाँ थोड़े से तो मैं कहूँगा हाँ है। टेस्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं है, टेस्ट नहीं है, बट बाकी भाई अल्टीमेट फन है। आप आओ यहाँ पे, मतलब नेचुरल ब्यूटी है एकदम। और मेरा तो देखो अब जो अगला मन है ना भाई, मैं यहाँ पर आऊँगा किसी रेनी सीजन में आऊँगा, और मेरे घर से काफ़ी दूर भी है, तो कोई बात नहीं आते रहेंगे घूमेंगे फिर से। मज़ा तो आया भाई, देखो मैं तो सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब जैसे मैं पहली बार आया हूँ ना, वर्थ इट है, जो कहते ना वर्थ इट है। तो 72 किलोमीटर मेरी गाड़ी घर से टोटल चली है यहाँ तक आने में। तो भाई ये देख लो पूरा एक ऐसा एटमॉस्फियर है यहाँ पे। रात को मैं बिल्कुल कहूँगा भाई, थ्रोटल शॉटल जो है वो बंद हो जाता है, बाकी जो रेस्टोरेंट है वो खुले रहते हैं। आप आओ यहाँ पे, बहुत रियल फन है। और भाई देखो डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, मैं तो यहाँ पे आके यही कहूँगा भाई। देखो यहाँ पे ठीक है, कोई पुलिस वुलिस की ऐसी कोई चेकिंग वगैरह नहीं है, बट सीरियसली डू नॉट ड्रिंक, ठीक है। तो देखो आगे अपनी पहाड़ों की रोड, फिर से पहाड़ों की रानी जा रही है, ये रही महारानी भी थी उसके अंदर एक। मजे ले रहा हूँ भाई। तो यहाँ से भाई एक चीज और भी है कि बाइक्स वगैरह का ना, जैसे अगर आप दिन विन में आ रहे हो तो बेनिफिट है, रात को तो भाई सीरियसली डू नॉट ट्रेवल। यहाँ पे बिल्कुल झाड़ियाँ हैं भाई, और एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, एक भी जिसे कहते हैं आप। तो भाई ये दिल्ली की ना वो जगह है कि मतलब जहाँ पे बंदा सोचता है कि ये दिल्ली की जगह है, मतलब दिल्ली से इतना पास कैसे हो सकता है। तो ये है भाई, और वो देखो सामने है थ्रोटल शॉटल की एंट्री। बाय थ्रोटल शॉटल, बाय बाइज, बाय बाय बु बाय। तो भाई ये देख लो, ये था रास्ता, और यहाँ चेकआउट कर लो भाई। देखो अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, हाँ एकदम देख लो, गंदी फुल गंदी कर दी है भाई, पूरा ऐसे मिट्टियों में, जैसे अभी ये बच्चे खेल रहे हैं, अभी मैं ऐसे खिला रहा था बहुत ज़्यादा। ओ सीरियसली मैन, व्हाट इज दिस शिट। चलो मिट्टी है भाई, फुल ऑन मजा लिया है, फुल ऑन। मेरा भी ऊपर चढ़ने का मन है। ओ माय गॉड, ऊपर और भी बंदे चढ़े हुए हैं, देखते हैं अभी, चलो हम भी कुछ करते हैं। भाई साहब ये कुछ एंड ही चल रहा है भाई यहाँ पे। गजब ए स्विफ्ट लेकर चलो तेरे को, ऊपर फेंक दो ऊपर से नीचे, तूने बहुत दम उठा रखा। ये देखो मतलब चढ़े ही जा रहे हैं भाई, अल्टीमेट सीन है भाई, अल्टीमेट देख रहे हो वो। देखो ये थ्रोटल शॉटल के रास्ते में पड़ता है भाई, गजब भाई। देखो एक बार ही स्प्लेंडर फंस गई है सामने, ये देखो। ओ भाई साहब, ओ भाई बच्चे तो बच्चे, वो बाइक को खिला रहे हैं भाई साहब। गया 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 इंजन गया आज भाई, सही है। ओ एक और 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 एक और, और ये अटक गई। ना 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 भाई साहब, ये कुछ क्या ही हो रहा है यार ये। ओ माय गुडनेस, वो छोटा सा बच्चा देखो भाई कहाँ चढ़ गया ऊपर। स्टंट चल रहे हैं, स्टंट भाई साहब भयंकर।
ये देखो भाई कितने कितने से बच्चे हैं, और वो देखो ये खड़ी हमारी धन्नो है, चढ़ा दो तेरे को भी ऊपर। तो भाई फाइनली अपना हो चुका था यहाँ से एंड, और अपन निकल चुके थे दिल्ली के लिए। तो भाई ये था पूरा व्यू, एक बारी चेकआउट कर लो। मतलब भाई मज़ेदार था, मतलब मज़ा आया था, ऐसा नहीं लगा कि पैसा वेस्ट लगा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं लगा भाई। तो फाइनली अपन यहाँ से दिल्ली के लिए अपने निकल गए थे। तो भाई अपना तो दिन तो था वो बहुत अच्छा बन गया था, बीच में हम रुके भी थे एक जगह से, हमने कुछ खाने वगैरह के लिए भी ले लिया था, फिर यहाँ से हम सीधा निकले। भाई मैप्स तो बहुत ज़्यादा फंसाता है भाई, कहीं 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 से ले जा रहा, इतना इजी रास्ता था भाई, इतना इजी रास्ता था, बट ये घूम फिर के ना मैप एंड में हमारे को उसी लोकेशन पे लेकर आया, और अब हमारे को थोड़ी देर में रोक लिया पुलिस वालों ने। लो जी फाइनली अभी हुआ क्या था, हमें रोका पुलिस वालों ने। तो भाई कर रहे थे हमारा 10,000 रुपए का चालान, तो भाई उन्हें इसका नहीं पता चला, ये देखो जैसे ये काला हो रहा है ना, उन्हें ये नहीं दिखा, बट उन्हें मेरा पीछे वाला शीशा दिख गया था जो एकदम अल्ट्रा अल्ट्रा जेट ब्लैक था। तो मैंने उनसे बोला अभी, मैंने कहा भाई रहन दो, पीछे पीछे की रहन दो, मैंने कहा कि कोई बात नहीं मैं जाके उतरवा लूंगा। तो कहने लगे नहीं, या तो आप अभी उतरवा लो या फिर चलान होगा। तो मैंने उनसे साइड में जाके बात बात करी, तो कहने लगे कि भाई यहाँ पे ना एक्चुअली वहाँ पे कोई कैमरा वाला खड़ा हुआ था, सिविल ड्रेस में थे सारे, तो उन्होंने बोला भाई वीडियो बन रही है तो आपको उतरवानी ही पड़ेगी, कह रहा वरना चलान हो जाएगा, मेरी बात मानो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो भाई उन्होंने फाइनली अपनी पीछे की फिल्म जो है उतार दी है, अब हमारी गाड़ी फिर से नंगी नंगी अवस्था में आ गई है पीछे से। तो कोई बात नहीं, अभी घर जा ही रहे हैं, जाते जाते फिर से जेट ब्लैक करा लेंगे, फिर घर ले जाके खड़ी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। रिस्पेक्ट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर उन्होंने किसी चीज़ के लिए बोला है तो ठीक है, इट्स ओके फाइन नो इश्यूज, हमने उनके कहने पर रिस्पेक्ट के लिए उनकी हमने अपने शीशा जो था वो उतरवा लिया, कोई बात नहीं। तो चल रहे हैं वापस अपने घर की तरफ, इंडिया गेट की तरफ से होते हुए जा रहे हैं भाई। रास्ता सही है, कोई जाम वाम हमें मिल नहीं रहा एज पर द वर्किंग डे, वर्किंग डे की वजह से अभी तक हमारे को कोई ऐसा जाम नहीं मिला है, बट चलो चलते हैं। तो मिलते हैं भाई आपसे सीधा घर जाके। भाई फाइनली अपना इंडिया गेट वाले रास्ते से होते हुए हम जा रहे थे अपने घर की तरफ, और भाई गाड़ी भी अपने को 150 किलोमीटर के आसपास चल गई थी, क्योंकि हम एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चल गए थे। तो भाई फटाफट से करके घर की तरफ हमें जाना था, क्योंकि जो हमारी गाड़ी की फिल्म उतारी गई थी हमें वो भी चढ़वानी थी, बट अनफॉर्चुनेटली भाई वो नहीं चढ़ पाती हमारी घर जाने के बाद, क्योंकि मैंने कॉल पे बात कर ली थी तो वो भैया वगैरह मना कर रहे थे, कह रहे थे भाई अभी हमारे पास जेट ब्लैक है नहीं। तो यही था अपना ट्रिप। तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, और मिलते रहेंगे आपसे नेक्स्ट।